इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे होलोग्राफी। बट अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए। इसका रीज़न ये है, होलोग्राफी बेस्ड होती है इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन पर। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट नहीं आते हैं तो आप होलोग्राफी कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर हम लेज़र का भी यूज़ करते हैं। अब लेज़र क्या होता है इसको भी हमने अलग से एक्सप्लेन क्या हुआ है। आइए समझते हैं वॉट इज़ होलोग्राफी। तो होलोग्राफी क्या है, रियल में फोटोग्राफी ही है। फिर इसका नाम होलोग्राफी क्यों है, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है, होलोग्राफी का मतलब होता है कंप्लीट फोटोग्राफी। आइए पहले समझ लेते हैं होलोग्राम और फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, या फिर होलोग्राफी और फोटोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर बात करते हैं फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी टू डायमेंशनल होती है और वहाँ पर हम ओनली एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, फेस की बात नहीं करते। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं फोटोग्राफी की तो वो टू डायमेंशनल होती है और वहाँ पर हम ओनली इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड को मेज़र करते हैं। बट अगर बात करते हैं होलोग्राफी की तो यहाँ पर ये होती है, इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल, इट इज़ थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी विद इंटेंसिटी एंड फेज वेरिएशन। तो आपको समझ आ रहा होगा होलोग्राफी क्या होती है। होलोग्राफी का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ग्राफी का मतलब होता है मेजर करना, कंप्लीट मेजर करना। तो होलोग्राफी क्या होती है, थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं इंटेंसिटी एंड फेज वेरिएशन को भी। मतलब जैसे ही बात करते हैं फोटोग्राफी में, तो दोस्तों फोटोग्राफी में फेस का हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ नहीं करते, हम ओनली वहाँ पर इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। यहाँ पर भी यही है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी बात एक ही है, बिकॉज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम इंटेंसिटी के साथ साथ में यहाँ पर फेस वेरिएशन को भी मेजर करते हैं और यहाँ पर जो इमेज बनती है ये थ्री डायमेंशनल होती है। और इसकी खूबी क्या होती है, ये लेंस लेस होती है, इसमें लेंस का यूज नहीं होता। अगर बात करते हैं किस पर बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड होती है इंटरफेरेंस पर, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और इसके टू पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन और दूसरा पार्ट होता है रिकंस्ट्रक्शन। तो आप यहां पर देख रहे होंगे फोटोग्राफी और होलोग्राफी में फर्क क्या होता है। फोटोग्राफी टू डायमेंशनल, आप ओनली उसको सरफेस पर देख सकते हैं। बट अगर बात करते हैं होलोग्राफी, तो ये क्या होती है, थ्री डायमेंशनल होती है। आप ओरिजिनल देख सकते हैं जैसा मैं खड़ा हुआ हूँ, मतलब आप फील नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा होलोग्राम बना दिया जाए तो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा मैं खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होगा। दोस्तों यही तो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, फिर देखेंगे इसका रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, होलोग्राफी तब तक सक्सेसफुल नहीं थी जब तक लेज़र नहीं बना था। जैसे ही हमने लेज़र बना लिया तब से होलोग्राफी बहुत शानदार और सक्सेसफुल है। इसका रीज़न क्या है, हमें कोई ऐसा लाइट सोर्स चाहिए होता है जो मोनोक्रोमेटिक हो और कोहरेंट हो, टेम्पोरल और स्पेशल दोनों, और ऐसा लाइट सोर्स हमारे पास में ओनली लेज़र है। तो जब से हमने लेज़र को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है उसके बाद से ही होलोग्राफी बहुत शानदार हो गई और इसके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपने लेज़र का कंसेप्ट नहीं देखा है तो लेज़र को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों लेज़र का ही एप्लीकेशन है होलोग्राफी, लेज़र डेवलप होने के बाद ही हम सही तरीके से होलोग्राफी का यूज़ कर पाएँ। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसमें होता है एक लेज़र लाइट सोर्स, ऐसा मान लेते हैं ये कोई लेज़र लाइट सोर्स है। लेज़र लाइट सोर्स यहाँ से निकलती है लेज़र बीम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक प्लेट रखते हैं 45 डिग्री पर, इसको हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर। यह फिर क्या करती है, ये लाइट को दो पार्टों में डिवाइड कर देती है। इसका कुछ पार्ट इस तरीके से रखते हैं इसको,
इस तरीके से 45 एंगल पर, तो ये कर देती है। इसका कुछ पार्ट तो ये रिफ्लेक्ट करती है और कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर। यहाँ पर क्या होती है, ये पार्शियली ट्रांसमिट और पार्शियली रिफ्लेक्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीम स्प्लिटर बोलते हैं। अब देखेंगे एक लाइट रेज यहाँ पर गई और एक लाइट रेज यहाँ पर गई, ये कितने पर होता, तो ये हमेशा 45 डिग्री पर रखी होती है, जिससे ये 90 पर बैंड हो जाती है और ये सीधी निकल जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर करते हैं हमें जिस भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनानी है, होलोग्राम बनाना है, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। ऐसा मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो रेज है ये हो गई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम रखते हैं इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर हमको इमेज लेनी होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मिरर रखते हैं इस तरीके से, मिरर। ये क्या थी, बीम स्प्लिटर, जो बीम को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, और यहाँ पर हमने वो ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका हमको होलोग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरा होलोग्राम बनाना है तो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। अब यहाँ पर ये लाइट रेज आकर इस तरीके से इंसिडेंट होगी इस तरीके से, और यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर इस तरीके से ये रखी है फोटोग्राफिक प्लेट, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाती है। यहाँ पर एक मिरर रखते हैं हम इस तरीके से, मिरर, और ये यहाँ पर पहुँच जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस बीम, रेफरेंस लाइट। ये क्या है, रेफरेंस बीम, ये यहाँ पर जाती है, और ये होती है ऑब्जेक्ट बीम, क्या कहलाती है, ये ऑब्जेक्ट लाइट। देखेंगे तो यहां पर ये एक लाइट यहां से यहां पर पहुंची, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट सेटअप बनाया, एक बार रिपीट कर देते हैं, ये लेजर लाइट सोर्स था, यहां पर लाइट गई, यहां पर हमने बीम स्प्लिटर रख दिया, यानी कि पार्शियली ट्रांसमिट हो गई लाइट और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई। जो लाइट रेज यहां से यहां पर गई ये क्या है, मिरर, इसको बोल सकते हैं M1, मिरर M1, इसको बोल देंगे मिरर M2, रिफ्लेक्टर है परफेक्ट, यहां पर आई और ये टकराकर यहां पर पहुंची फोटोग्राफिक प्लेट पर रिफ्लेक्ट होकर। दूसरी लाइट रेज यहां पर पहुंची रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जेक्ट पर जिसका हमको होलोग्राम बनाना, ये ऑब्जेक्ट है इसी का हम होलोग्राम बना रहे हैं, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर यहां पर पहुंचती। जब ये यहां पर पहुंचती है तो यहां पर इंटरफेरेंस होता है। हम जानते हैं जब दो कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और कोहरेंट लाइट सोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ पर जो होलोग्राम है यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं, बन जाती हैं, यहाँ पर ग्राफ कर लिया जाता है, मतलब मीजर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट है यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर बन जाता है, दैट मीन्स ये बन गया होलोग्राम यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट की जो मतलब इमेज है वो इसके अंदर बन गई है, बिकॉज यहां पर एक लाइट रेज यहां पर आई, एक लाइट रेज यहां पर आई, इस लाइट रेज के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, और जैसे ही यहां पर आकर के इंसिडेंट होती हैं तो यहां पर ये मिलती हैं, सुपरपोजिशन होता है, उसी की वजह से यहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं, और यहां पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं उन फ्रिंजेस को इस फोटोग्राफिक प्लेट में हम बना लेते हैं, यहां पर ये इफेक्ट करती हैं, बन जाती हैं। देखेंगे ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राफी, बस इतना ही होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में होलोग्राफी क्या है, इंटरफेरेंस से हम ऑब्जर्व करते हैं, बनाते हैं किसके अंदर, किसी भी फोटोग्राफ प्लेट पर इसको ले लेते हैं और ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टिव करती हैं और यहाँ पर बन जाता है ये। अब अगर बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये क्या था, कंस्ट्रक्शन था। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से लाइट गई, स्प्लिट किया, एक मिनट यहाँ पर रखा, एक मिनट यहाँ पर रखा, ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर जिसकी हम इमेज बना रहे हैं, जिसका हमको होलोग्राम बनाना है, ये लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पहुँचती है फोटोग्राफिक प्लेट पर, एक लाइट रेज डायरेक्ट पहुँचती है। जब ये दोनों मीट करती हैं तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर बन जाता है, छप जाता है, ऐसा मान सकते हैं, इफेक्ट करता है, यही होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राफी। अब बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन, जैसे ही ये होलोग्राम बन गया तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, इसको यहां पर ले लिया उठाकर मैंने, अब जिस एंगल से ये रेफरेंस बीम, ये क्या होती है रेफरेंस बीम या रेफरेंस लाइट, ये होती है ऑब्जेक्ट लाइट,
जो ऑब्जेक्ट से आकर टकरा कर आती है। तो जिस एंगल से ये रेफरेंस बीम होलोग्राम पर आई थी उसी एंगल पर यहाँ पर डालते हैं इस होलोग्राम पर। क्या कर रहे हैं अब हम, कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही लाइट सोर्स लिया और लाइट सोर्स लेने के बाद में जो हमने यहाँ पर ये छापा था इंटरफेरेंस पैटर्न, उसी होलोग्राम पर हम लाइट डालते हैं इसी लाइट सोर्स से। याद रखेंगे यहाँ पर ओनली लेजर लाइट सोर्स यूज होता है। उसका रीज़न क्या है, लेजर लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक भी होता है और कोहरेंट भी होता है, और कोहरेंट दोनों टाइप्स का, टेम्पोरल भी और स्पेशल भी। अभी एक कोहरेंस क्या होता है और मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, इसको हम ऑप्टिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, अब देखेंगे। तो जिस एंगल से लाइट रेस यहाँ पर इस होलोग्राम पर पहुँची थी उसी एंगल से यहाँ पर डालते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं ये लाइट रेज हैं इस तरीके से, बहुत सारी होती हैं यहाँ पर, तो मैंने ओनली रे दिखाई है। तो यहाँ पर जो ये होलोग्राम है, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये बिहेव करती है एज ए ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑप्टिक्स में, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको होलोग्राफी से पहले तीन कंसेप्ट देख लेने चाहिए, एक तो लेज़र, दूसरा डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर नहीं आते हैं तो आप इसको ओनली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये होलोग्राम है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही यहाँ पर ये ऐसे बिहेव करता है, ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ग्रेटिंग क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आती है तो ये बैंड होती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर मीट करती है ऐसे, इस तरीके से मीट करती है। अगर देखेंगे यहाँ पर अगर कोई, तो यहाँ पर बनती है रियल इमेज, बट अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां पर लाइट रेज आई, ये क्या थी, इंसिडेंट लाइट रेज, लाइट लेजर से ही जब ये यहां पर आई तो इसकी इमेज यहां पर जाकर मीट करती है। क्यों, बिकॉज ये जो है ऐसे बिहेव करती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ग्रेटिंग क्या होती है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ग्रेटिंग देखिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत शानदार तरीके से ऑप्टिक्स में। कितने एंगल पर, जिस एंगल पर हमने यहां पर डाली थी रेफरेंस लाइट उसी एंगल पर यहां पर डालते हैं। तो यहां पर जाकर इसकी, जहां पर ये मीट करती है वहां पर इमेज बनती है, बट ऑब्जर्वर यहां पर है तो ये इस तरीके से आती हुई लगती हैं, इस तरीके से आती हुई लगती हैं इसको यहां पर, और इसको यहां पर इस तरीके से इमेज दिखती है, यहां पर बनती है वर्चुअल इमेज। क्या हुआ, अब देखो समझ लो, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट जहां पर होलोग्राम बनाया था। अब हमें देखना है कि ये इमेज बनी कैसे है, जो इमेज हमने यहां पर स्कीप बनाई थी इसको देखना है। तो देखने के लिए क्या करते हैं, हम लेजर लाइट सोर्स लेते हैं, और जिस एंगल से जब हमने इस होलोग्राम को बनाया था, ये रेफरेंस लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही थी, उसी एंगल से इसी पर ये रख दिया मैंने, ये जो है ये रखा हुआ है यहाँ पर डालते हैं। तो ये बिहेव करती है ऐसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और क्या कर देती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये लाइट रेस मीट करती हैं, मिलती हैं, जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर बनती है रियल इमेज। बट ये होलोग्राम रखा है लाइट यहाँ से, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये आँख है आई, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो लाइट रेस यहाँ से आती हुई लगती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर है और हम यहाँ से देख रहे हैं, बट हमको ये यहाँ पर नहीं दिखती, हमको ये यहाँ पर दिखती कि ऐसा आते हुए लगता है। इसका रीज़न क्या है, लाइट ऑलवेज हमको सीधी आती हुई दिखती है, सीधी स्ट्रेट लाइन, ये मुड़ती हुई कभी नहीं दिखती। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, एक मिरर लेंगे कहीं पर भी देख लेंगे, बाइक के मिरर में किसी आदमी को देखो तो आपको बिल्कुल सामने दिखेगा, जबकि वो तिरछा बैठा होगा। आप मिरर में कभी भी देख सकते हैं तो हमेशा लाइट रेस सीधी आती हुई दिखती है। प्रैक्टिकली एक मिरर लो 45 पर रख दो किसी के सामने, आप देखेंगे इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है, आदमी कहीं और पर बैठा होता है लेकिन आपको कहीं और पर दिख रहा होता है। इसका रीज़न क्या होता है, लाइट रेज ऑलवेज हमको ऐसा लगता है कि सीधी आ रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है कि लाइट रेज यहाँ से आकर यहाँ पर जा रही होती हैं और हम इसको देख रहे होते हैं, तो हमको क्या फील होता है कि ये यहाँ पर है। तो ये होती है रियल इमेज और ये होती है वर्चुअल इमेज, यानी कि ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। और ये किस पर बेस्ड है, डिफ्रैक्शन पर। डिफ्रैक्शन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर हुआ है, ये जो ग्रेटिंग है यहाँ पर जो लाइट बैंड हुई है, इसी बैंड होने को लाइट के मुंडकों क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं।
तो लाइट रेज यहां से यहां पर जो गई थी मुड़कर, ये क्या था, डिफ्रैक्शन था। तो वास्तव में इमेज यहां पर बनी है, बट हमको यहां से देखने पर यहां पर दिखती है, तो यहां पर कुछ नहीं है एक्चुअल में, बट हमको फील होता है कि लाइट रेज यहां से आ रही हैं, जबकि आ यहां से रही हैं। तो दोस्तों ये होती है वर्चुअल इमेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन, जो बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपका लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से हम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि BSc के लगभग सभी पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी पेपर से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।